दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की आईटी सिटी बेंगलोर से चेन्नई तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका भी हाल ही में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने निरीक्षण किया और इस एक्सप्रेसवे को ओपन करने की डेट भी डिक्लेयर कर दी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर रेडी हो जाइए वीडियो को एंड तक देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का डियर इन्फ्रा टीवी की एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे 262 किलोमीटर लंबा और 4 लेन चौड़ा एक एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है, जिसे ट्रैफिक लोड बढ़ने पर 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे को 3 फेजों के अंतर्गत 10 पैकेजों में डिवाइड किया गया है। रूट की बात की जाए तो यह एक्सप्रेसवे कर्नाटक में बेंगलोर के पास होसाकोटे से शुरू होकर कोलार, पलमनेर, चित्तूर, अरक्कोनम होते हुए तमिलनाडु में चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में जाकर एंड होता है। यानी यह एक्सप्रेसवे कर्नाटक में 77.2 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 91.4 किलोमीटर और तमिलनाडु में 93.7 किलोमीटर लंबा होगा। दरअसल दोस्तों बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे को 2 भागों में बनाया जाएगा, जिसमें पहला होसाकोटे से श्री पेरम्बदूर के बीच 262 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जबकि दूसरे भाग में श्री पेरम्बदूर से मदुरबोयल चेन्नई तक 22.6 किलोमीटर का रूट एलिवेटेड बनाया जाएगा, जिस हिसाब से इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ करीब 285 किलोमीटर की होगी। दोस्तों अब जानते हैं इस एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आपको बताते चले कि बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे का अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के 71 किलोमीटर लंबे फेज 1 में से 38% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे और तीसरे फेज में मात्र 10% निर्माण कार्य ही पूरा हो पाया है। इसके अलावा गडकरी जी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे के 262 किलोमीटर में से 231 किलोमीटर के हिस्से में निर्माण कार्य जारी है, जबकि 31 किलोमीटर के पैच पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, क्योंकि 31 किलोमीटर लंबे इस पैच में अभी कुछ वन विभाग की मंजूरी मिलनी बाकी है। गडकरी जी ने बताया कि हमारा लक्ष्य बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे को 26 जनवरी तक या फिर मार्च 2024 तक पब्लिक के लिए ओपन करना है, और इस एक्सप्रेसवे के ओपन हो जाने के बाद बेंगलोर से चेन्नई के बीच हवाई यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा गडकरी जी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद तीनों राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही बेंगलुरु से चेन्नई के बंदरगाहों तक माल परिवहन की लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में अभी रसद लागत 16% लगती है, जबकि चीन में 8% और अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों में यह लागत 12% लगती है, जिसके बारे में गडकरी जी ने कहा कि भारत में हमारा लक्ष्य रसद लागत को 10% से भी कम करना है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह एक्सप्रेसवे मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो पाएगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।